गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा में फर्स्ट यूनिट टेस्ट का हिंदी का रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए क्या पोर्शन है, मतलब कितने कविताएं और कितने लेसन, कितने पार्ट आपको परीक्षा में आने वाले हैं, यह मैं आपको इस वीडियो के बाद सेंड करने वाली हूँ। तो आज हम कविता पहली भारत महिमा, यह कविता रिवीजन के लिए ले रहे हैं। यह कविता मैंने आपको सिखाई है, लेकिन आज फिर से इस कविता का रिवीजन करते हुए इस कविता का सारांश समरी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद जी। कविता पहली भारत महिमा। महिमा मतलब स्तुति या गौरव करना। प्रस्तुत कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने कविता में भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव की सफल अभिव्यक्ति की है। उन्होंने मानवीय सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण सुंदर रूप में किया है और अपने देश पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना है, यह संदेश हमें दिया है। अब बच्चों, इस कविता को मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब यहाँ पर उपहार, उपहार मतलब भेंट, उषा मतलब प्रांतकाल, हीरक हार मतलब हीरो का हार। कवि भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपने किरणों की भेंट हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को देता है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है, अर्थात सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ती है, जिसके कारण ओस की बूंदें हीरे के कणों की तरह चमकने लगती है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठे अशोक। अब यहाँ पर आलोक मतलब प्रकाश, व्योमतम मतलब आकाश में फैला हुआ अंधकार, संस्कृति मतलब संस्कृति। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, इसके बाद हम सारे विश्व को जगाने लगे। इस प्रकार आकाश तक फैला अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। संपूर्ण सृष्टि ज्ञान प्राप्त करके शोक रहित हो गई। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तप मधुर साम संगीत। विमल वाणी मतलब निर्मल वाणी, ज्ञान की जो देवी है सरस्वती, उसकी कृपा सबसे पहले भारत पर हुई। उन्होंने अपने कोमल हाथों में प्रेम पूर्वक वीणा धारण की। वीणा मतलब एक वाद्य, इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले उन्होंने वीणा धारण की और उस वीणा के सात स्वर सात नदियों के प्रदेश में गूंजे, सामवेद के मधुर गीतों की वहीं से ही रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारतवासियों ने समस्त संसार में सबसे पहले शांति का संदेश फैलाया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद राजसी सुख छोड़कर भिक्षु बन गए तथा घर घर घूमकर मनुष्य को दया भाव की सीख देते रहे।
गोरी को दिया दया का दान, चिन्ह को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। भारत ही वह देश है जहाँ यूनान मतलब विदेशी को दया करके सम्राट चंद्रगुप्त ने छोड़ दिया था। सम्राट अशोक के भिक्षुओं ने जाकर चीन देश में धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के तीन रत्न, अब यहाँ पर बौद्ध धर्म के कौन से तीन रत्न हैं? बुद्ध, संघ और धर्म, यह बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं। इन रत्नों का ज्ञान कराया था। स्वर्ण भूमि श्रीलंका, श्रीलंके को यह जो जगह है इस भूमि को स्वर्ण भूमि कहा गया है। स्वर्ण भूमि श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांत से अवगत कराया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। अब यहाँ पर कवि का कहना है कि हम भारत भूमि के ही संतान हैं, हम भारत भूमि के ही बच्चे हैं, हम कहीं से बाहर से आए नहीं, हमने किसी का कुछ छीना नहीं है, प्रकृति का वरदान हमें मिला है, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हम पैदा हुए। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारा चरित्र पवित्र रहा है, भुजाओं में शक्ति रही है मतलब अपने हाथों में, हाथ के बाजुओं में शक्ति है। नम्रता हमारे चरित्र की सबसे बड़ी खूबी रही है। हम भारतीयों की विशेषता रही है कि हम किसी को विपन्न अर्थात दुखी नहीं देख सकते। हम जो भारतीय लोग हैं वह हम किसी को, दूसरे व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकते। अगर वो तकलीफ में है, अगर वो भूखा है तो हम उसे तुरंत जाकर मदद करते हैं। यह हमारे भारत लोगों की विशेषता है। हमारे हृदय में भारत के प्रति गर्व है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों ने धन का संचय को, धन के संचय को नहीं बल्कि दान की परंपरा के निर्वाह को अधिक महत्वपूर्ण माना है। मतलब हम जो भारतवासी है, हम भारतीय लोग हैं, वो धन का मतलब संपत्ति को इकट्ठा करके ही नहीं रखते बल्कि दान देना भी हमारे अंदर यह भावना है, दान देने की भी भावना हमारे भारतीयों के अंदर है। अतिथि को ईश्वर मानते हैं, सदा सत्य बोलते हैं, हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन दृढ़ता से करते हैं। मतलब कोई भी अतिथि, कोई भी मेहमान हमारे दरवाजे पर, हमारे घर पर आता है तो हम इसे भगवान का दर्जा देते हैं। और भारतीय लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, हमारी जो प्रतिज्ञा है उसका हम पालन करते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारे मन में सदा यह अभिमान बना रहे कि हम अपने देश के लिए जी रहे हैं। वही रक्त है, वही साहस है, वही शक्ति है, वही शांति है, वैसा ही ज्ञान है, हम वही अलौकिक भारत के संतान है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम अपने देश के लिए जी रहे हैं इस बात का अनुभव करके हम खुशी से भर उठे। हमारा भारतवर्ष हमें अत्यंत प्रिय है, हम अपना सब कुछ इसी पर नौछावर कर दे। हम भारतवासी है यह एहसास ही हमारे लिए बहुत खूबसूरत है।
अब मैंने आपके सामने इस कविता की कुछ पंक्तियाँ रखी हैं। इन पंक्तियों को मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करती हूँ। और यह जो पंक्तियाँ हैं, यह मैंने फर्स्ट यूनिट टेस्ट के रिवीजन के लिए ली है। और यह इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको इन पंक्तियों के ऊपर कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में, हिमालय यह एक पर्वत का नाम है जो इस देश में सबसे बड़ा पर्वत है। उपहार मतलब भेंट, गिफ्ट, भारत देश की स्तुति, गौरव, उसका गुणगान गाते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिमालय पर्वत के आंगन में उषा ने हंसकर, उषा ने मतलब सुबह ने हंसकर किरणों का उपहार, किरणों को भेंट रूप में दिया है। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उषा मतलब भोर प्रांतकाल, अर्ली मॉर्निंग, अभिनंदन मतलब स्वागत करना, हीरक हार मतलब हीरो का हार। उषा ने मतलब प्रांतकाल ने, सुबह ने अपने देश का अभिनंदन स्वागत किया है और उसे हीरो का हार पहनाया है, मतलब सूर्योदय, इसका मतलब है सनराइज होने से कुछ समय पहले उषा रूपी किरणें हिमालय के आंगन में आती है। अपने इस भारत देश में उषा अपने साथ सुनहरी मतलब सोने जैसी रंगों वाली गोल्डन कलर की किरणें लेकर आई है। तब ऐसे लगता है कि वह किरणें अपने भारत देश का अभिनंदन स्वागत करके उसे हीरो का हार पहना रही है। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक मतलब प्रकाश, व्योमतम मतलब आकाश में फैला अंधकार, लेकिन इस कविता में इसका अर्थ हम लेंगे संसार में फैला हुआ अंधकार। अखिल संस्कृति मतलब पूरा विश्व, पूरी दुनिया। उषा की किरणें, प्रांतकाल की किरणें जो है, वह धरती पर आते ही भारत के सभी ज्ञानी लोग नींद से जाग गए। वे सिर्फ जागे नहीं बल्कि उन्होंने सारी दुनिया को भी जगाया, मतलब उन सारे ज्ञानी लोगों ने अज्ञानी लोगों के अंधकार को दूर किया। इसी तरह उन्होंने संपूर्ण दुनिया में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने का अच्छा काम भी किया। तो कवि हमें इन पंक्तियों में यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह से उषा की किरणें आकर फैलती है और आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट होता है, ठीक उसी तरह ज्ञानी लोगों ने इस दुनिया का, इस संसार का अंधकार नष्ट करके इस दुनिया के लोगों का इस संसार से शोक, दुख आदि का अंत हुआ। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तप मधुर साम संगीत। विमल वाणी मतलब निर्मल वचन, वीणा एक वाद्य इंस्ट्रूमेंट, सप्रित मतलब प्रेम के साथ, सप्त स्वर मतलब सात स्वर, सप्त सिंधु मतलब सात नदियाँ, साम संगीत मतलब सामवेद के गीत। कवि इन पंक्तियों में से हमें यह बताना चाहते हैं कि ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत पर हुई है। उन्होंने अपने कोमल हाथों में प्रेम पूर्वक वीणा धारण करना मतलब उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य जो बजाते हैं उसे हाथ में लिया है और यह हाथ में लेकर वह वीणा धारण की और
उस वीणा के सात स्वर सात नदियों के प्रदेश में गूंजे। सामवेद के मधुर गीतों की रचना यहाँ से हुई। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इन पंक्तियों के ऊपर कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जिसके उत्तर आपको मुझे अभी देने हैं। उषा ने किस प्रकार भारत का अभिनंदन किया? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बताती हूँ, उषा ने किस प्रकार भारत का अभिनंदन किया? आप चाहे तो यह प्रश्न लिखकर भी ले सकते हैं। यस, आपका उत्तर होगा हिमालय के आंगन में किरण लाकर, और दूसरा इसका उत्तर है सुनहरी किरणों का हीरक हार पहनाकर। तो मेरा प्रश्न था कि उषा ने किस प्रकार भारत का अभिनंदन किया है, तो हिमालय के आंगन में किरणें लाकर और दूसरा सुनहरी किरणों का हीरक हार पहनाकर। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, विश्व में आलोक फैलने से क्या हुआ? मतलब जब विश्व में आलोक प्रकाश फैला तब क्या हुआ? यस, तब संसार में फैला अंधकार समाप्त हुआ। समाप्त हुआ मतलब खत्म हो गया। और इसका दूसरा उत्तर है पूरे संसार की शोक एवं पीड़ाएं लुप्त हो गई। मतलब पूरे संसार का जो दुख था वह लुप्त हो गया, मतलब नष्ट हो गया, गायब हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक पंक्ति बताती हूँ और पर्याय देती हूँ। इस पर्याय में से आपको सही पर्याय सिलेक्ट करना है और मुझे बताना है। जैसे ही सप्त स्वर सप्त सिंधु में गूंज उठे तब, यहाँ पर अब मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, विमल वीणा ने वाणी ली, कोमल कर में कमल लिया, मधुर साम संगीत शुरू हुआ। मैं एक बार फिर से प्रश्न पढ़ती हूँ, जैसे ही सप्त स्वर सप्त सिंधु में गूंज उठे तब, अभी मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, विमल वीणा ने वाणी ली, कोमल कर में कमल लिया, मधुर साम संगीत शुरू हुआ। अब इस तीनों में से कौन सा आंसर सही है? यस, तब मधुर साम संगीत शुरू हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न मतलब भावार्थ लिखने के लिए बताती हूँ, आपको इसे रिवीजन में लिखना है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इन पंक्तियों का आपको सरल हिंदी में भावार्थ लिखना है, मतलब इसका अर्थ, इन पंक्तियों का अर्थ आपको सरल हिंदी भाषा में लिखना है। अब हम पाठ का रिवीजन करने वाले हैं। पाठ पांचवा, गोवा जैसा मैंने देखा। इस पाठ के लेखक है विनय शर्मा जी। अब यह पाठ मैंने रिवीजन के लिए लिया है और यह पाठ आपको फर्स्ट यूनिट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, गोवा यह नाम सुनते ही आपके मन में क्या हो रहा है? आप बहुत खुश हुए कि नहीं? आप में से बहुत बच्चों ने गोवा यह शहर देखा है कि नहीं?
तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह जो बीच है, यह जो समुद्र का तट है, यह रेतीला है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो किस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमें वहां पर जाने के लिए मन हो रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर किस तरह के वाटर स्पोर्ट्स होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जाने के लिए हमारा मन बहुत उत्साही होता है। यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। यहाँ के लोगों का खाना पीना, रहना, कपड़े, यह सब अलग रहता है। अभी इस पार्ट का सारांश मैं आपको बताती हूँ। हमारे पार्ट का नाम है गोवा, जैसा मैंने देखा, और इस पार्ट के लेखक है विनय शर्मा जी। यह लेसन एक यात्रा वर्णन है, जहाँ पर लेखक ने यात्रा की है। इस जगह का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने गोवा की जीवन शैली एवं वहाँ की खूबसूरती का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। गोवा खूबसूरत रेतीले तट, महंगे होटल एवं जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह जो गोवा शहर है, यह बहुत खूबसूरत रेतीले तट, जैसे मैंने अभी आपको पिक्स में दिखाए, तो यहाँ के समुंदर ही नहीं, तो यहाँ के जो होटल है वो बहुत महंगे है, कॉस्टली है, और वहाँ की जीवन शैली, यहाँ का खाना पीना बहुत ही अलग ढंग का है, इसीलिए यह शहर बहुत प्रसिद्ध है। लेखक अपने परिवार के साथ गोवा घूमने गए थे। लेखक दक्षिण गोवा के बेनालियम रिसोर्ट में ठहरे थे। अब यहाँ पर लेखक जब गोवा घूमने गए थे, तब बेनालियम रिसोर्ट में ठहरे थे। रिसोर्ट का नाम था बेनालियम। शाम होते ही वे बेनालियम बीच के समुद्री किनारे पर टहलने के लिए गए। अब यहाँ पर जो रिसोर्ट का नाम है वो बेनालियम है, क्योंकि वह समुद्र किनारे के पास है, और वहाँ पे लेखक शाम होते ही बीच पर घूमने के लिए निकले। वहाँ से समुद्र की खूबसूरती देखकर लेखक फूले न समाए। वहाँ से उन्होंने जो समुद्र की खूबसूरती, जो नज़ारा देखा, तब वह बहुत आनंद हो उठे, उन्हें बहुत खुशी हुई। यह बीच रेतीला तथा उथला था। यह बीच मछुआरों की पहली पसंद है। यह जो बेनालियम बीच है, यह मछुआरों, मतलब जो कोली लोग रहते हैं, उनके लिए वो बहुत पसंदीदा बीच है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मच्छी मिलती है, और मच्छी बेचना यह उनका व्यवसाय है, इसलिए वह बीच उन्हें बहुत, कोली लोगों को वह बीच बहुत पसंद है। इस बीच पर घूमते घूमते जैसे ही सूर्यास्त हुआ, वैसे ही लेखक को समुद्र का स्याह व भयावह चेहरा नजर आया। जब लेखक इस बीच पर घूमने गए थे, तब सूर्यास्त मतलब सनसेट हुआ, तब वह जो समुद्र का दृश्य था वो बहुत भयावह लेखक को लगा, मतलब बहुत डरावना सा लगा। दूसरे दिन लेखक ने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। उसके दूसरे दिन ही लेखक ने सोचा कि अब हम गोवा घूमने के लिए बस में चलेंगे। वे नीले पानी वाले व पथरीले अंजुना बीच पर पहुँचे। यह बीच बॉलीवुड की पहली पसंद है, मतलब यहाँ पर शूटिंग भी होती है, बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग इस अंजुना बीच पर होती है। घूमते घूमते लेखक कलिंगुड बीच पर आए।
यह गोवा का सबसे लंबा बीच है। वहाँ पर कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स है। अब यहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स मैंने आपको दिखाए वह कौन से बीच पर होते हैं? कलिंगुड बीच पर होते हैं। और यहाँ पर जो मच्छी मिलती है वो कौन से बीच पर मिलती है? ज़्यादा से ज़्यादा बेनालियम बीच पे मिलती है। गोवा में लेखक को नवरात्रि एवं दशहरा पर्व मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब लेखक उनके परिवार के साथ गोवा घूमने गए थे तब वह नवरात्रि का समय था, नवरात्रि चल रही थी, तब वहाँ पर दशहरा मनाने का भाग्य लेखक को प्राप्त हुआ। मतलब गोवा में किस तरह से दशहरा मनाते हैं यह देखने के लिए लेखक को मिला। उत्तर भारत में जिस प्रकार नवरात्रि एवं दशहरा पर्व मनाए जाते हैं उसी प्रकार गोवा में भी ये पर्व मनाए जाते हैं। तो जिस तरह नवरात्रि का जो त्यौहार है वो जिस तरह से अपने भारत के अलग अलग जगह पर मनाया जाता है ठीक उसी तरह गोवा में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचे बसे होने के बावजूद भी गोवा ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखा है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि बहुत सारे फॉरेनर्स लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर बदली बदली सी हैं, लेकिन यहाँ के गोवा के जो लोग हैं उन्होंने अपने भारत की संस्कृति नहीं छोड़ी है, वह अपने भारत के भारत संस्कृति का पालन करते हैं। इस पाठ का एक परिच्छेद मैंने अभी आपके सामने रखा है। यह परिच्छेद आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको वापस एक बार दे रही हूँ, इसे आपको अच्छी तरह से समझना है। इस परिच्छेद के ऊपर मैं आपको कुछ प्रश्न भी पूछने वाली हूँ। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित हो उठना मतलब बहुत आनंदित होना। तो जब हम गोवा इस जगह का नाम सुनते हैं तब हम बहुत आनंदित हो उठते हैं, और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। तो जब गोवा इस जगह का हम नाम सुनते हैं तब हम आनंदित हो उठते हैं, और क्यों ना उठे, यहाँ की जो प्रकृति यहाँ का जो नेचर है और यहाँ का जो आबोहवा यहाँ का जो वातावरण है और जीवन शैली मतलब यहाँ का जो रहन सहन यहाँ का खाना पीना यहाँ के कपड़े ये सब इतना आकर्षित होता है कि और इतना अट्रैक्टिव होता है कि पर्यटक मतलब टूरिस्ट यहाँ पर अपने आप खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। अब यह जो राज्य है जो गोवा शहर है यह देश के अपने एक देश के कोने में है, लेकिन फिर भी यह पर्यटक के दिल को मतलब टूरिस्ट के दिल को बहुत पसंद है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। तो जिस तरह से हम लोगों को यह गोवा शहर पसंद है इसी तरह से लेखक को भी यह गोवा शहर बहुत पसंद है। तो यहाँ पर लेखक अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचे। खंडवा से मेरे साडू साहब भी सह परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। अब यहाँ पर जब इंदौर से गोवा जाने के लिए निकले थे तब बीच में खंडवा स्टेशन से उनके साडू साहब मतलब लेखक के पत्नी के बहन के पति इसे साडू कहते हैं, तो उनके साडू साहब की फैमिली भी उनके साथ कनेक्ट हो गई शामिल हो गई। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी
तो सुबह का उजास हो गया था। अब यहाँ पर लेखक जब गोवा जाने के लिए निकले तब उनकी जो गोवा एक्सप्रेस थी वह मडगांव रुकी। तब सुबह का उजास मतलब सुबह का उजाला, सुबह का प्रकाश हो गया था। एक टैक्सी ने हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा। तब वहाँ पर जब हम गोवा जाने के लिए निकलते हैं तब यह जो ट्रेन है वो मडगांव स्टेशन पर रुकती है। तो जैसे ही हम मडगांव स्टेशन के बाहर आते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारी टैक्सियाँ देखने के लिए मिलेंगी, तो उसमें बैठकर हमें गोवा शहर में जाना रहता है। तो वैसे ही वहाँ पर बहुत सारे टैक्सी वाले थे, वो हॉर्न बजा रहे थे। तो ऐसे ही एक टैक्सी के हॉर्न से लेखक वहाँ पर देखने लगे और हम फटाफट उसमें बैठ गए। और लेखक कह रहे हैं कि उनकी फैमिली उस टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। अब जब वह गोवा जाने के लिए मडगांव से जो टैक्सी पकड़ी थी उस टैक्सी में जब वो बैठे तब जो हवा चल रही थी, शीतल हवा मतलब ठंडी ठंडी हवा, और उसके जो झोंके थे उससे लेखक का मन प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। और जो यात्रा की थकान थी वो पूरी थकान उनकी मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। अब यहाँ पर मैं सोचने लगा मतलब लेखक सोचने लगे कि पर्यटन का भी मतलब यात्रा करना भी एक आनंद होता है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। अब यहाँ पर जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारी परेशानियां होती है, तब हम बहुत टेंशन में आकर बैठते हैं, तब उससे छुटकारा निजात पाना मतलब छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, तो उन परेशानियों से उन समस्याओं से अगर हमें मुक्ति पानी है तो सबसे अच्छा तरीका है यात्रा करना या सैर करना। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है। जब हम टेंशन में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तब जब हम बाहर घूमने जाते हैं तब बाहर का जो वातावरण रहता है उस वातावरण के कारण हमारा जो मन होता है वो तरोताज़ा थोड़ा फ्रेश हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। और मन तो तरोताज़ा होता ही है और कुछ समय के लिए हमारे शरीर को भी विश्राम मतलब आराम मिल जाता है। बहुत सारे घर के कामों से, ऑफिस के कामों से हमारा शरीर भी बहुत थक जाता है, तो उसे भी आराम की ज़रूरत रहती है। तो जब भी हम बहुत समस्याओं में रहते हैं, कुछ तकलीफ में रहते हैं, बीमारियां रहती है हमें, तब हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा घूम कर आना चाहिए। हमारी तबीयत उससे बहुत तंदुरुस्त होती है और हमें थोड़ा फ्रेश लगता है। अब इस परिच्छेद के ऊपर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ। इन प्रश्नों को आपको लिख कर लेना है। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। अब इस परिच्छेद में गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक कौन से हैं? यस, गोवा की प्रकृति, गोवा की आबोहवा, गोवा का सौंदर्य और गोवा की जीवन शैली। तो यह जो चार घटक है यह हमें गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की ओर पर्यटक स्वयं खींचे चले आते हैं, तो यह क्यों खींचे चले आते हैं? मैं एक बार फिर से आपको प्रश्न बताती हूँ कि गोवा की ओर पर्यटक स्वयं क्यों खींचे चले आते हैं? यस, क्योंकि
गोवा की प्रकृति, आबोहवा व जीवन शैली का आकर्षण सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की यात्रा की सारी थकान क्यों मिट गई? मैं एक बार फिर से प्रश्न रिपीट करती हूँ, लेखक की यात्रा की सारी थकान क्यों मिट गई? आपको इन प्रश्नों के उत्तर इस परिच्छेद में ही ढूंढने हैं। तो आपका उत्तर है, क्योंकि गोवा में बहने वाली शीतल हवा के झोंकों से लेखक का मन प्रसन्न हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको वाक्य बताती हूँ। अब मुझे आपको बताना है कि यह जो वाक्य है वो सही है या गलत है, मतलब सत्य है या असत्य है। पहला वाक्य है, वातावरण में बदलाव आने के कारण लेखक का मन अप्रसन्न हो गया। करेक्ट, आपका उत्तर है असत्य, यह वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब वातावरण में बदलाव आने के कारण लेखक का जो मन था वो प्रसन्न हो गया था, तो यह जो वाक्य है वो असत्य है। दूसरा वाक्य है, लेखक के अनुसार पर्यटन का भी अपना आनंद होता है। अब यह वाक्य सत्य है या असत्य है? यस, यह वाक्य सत्य है, क्योंकि लेखक के अनुसार पर्यटन का भी अपना आनंद होता है। अब इस परिच्छेद में मैंने आपको दो मुहावरे बताए, अब आपको ढूंढने हैं कि वह दो मुहावरे कौन से थे। यस, आपकी जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, उसमें मैंने आपको बताया था कि मन तरंगायित हो उठना या मन तरंगायित होना, मतलब आनंदित होना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मन उमंग से भरना या आनंदित होना। इस अर्थ का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। और दूसरा मुहावरा मुझे बताओ दूसरे परिच्छेद में से। यस, लास्ट थर्ड लाइन में निजात पाना, निजात पाना मतलब मुक्ति पाना या छुटकारा पाना। इस अर्थ का भी आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। अब यहाँ पर जो मैं आपको ग्रामर, व्याकरण समझाती हूँ, इसे भी आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि यह भी व्याकरण आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। मानक वर्तनी के अनुसार शब्द शुद्ध कीजिए। अब यहाँ पर मानक वर्तनी के अनुसार मतलब एक आप लोगों को एक शब्द अशुद्ध दिया जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स रहेंगी, वो आपको शुद्ध करके लिखना है। तो अशुद्ध शब्द को आपको शुद्ध करके लिखना है, इसे ही हम मानक वर्तनी के अनुसार शब्द शुद्ध कीजिए ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहला उदाहरण मैंने एक दिया है, पर्यटन। तो हम लोग पर्यटन जो शब्द है ऐसे लिखते हैं? नहीं। तो हमारे परिच्छेद में पर्यटन शब्द कैसे आया है, यह भी मैंने उत्तर आपको यहाँ पर लिखकर दिया है। तो इसी तरह से आपको अशुद्ध शब्द पूछे जाएंगे, मतलब मानक वर्तनी के अनुसार शब्द शुद्ध करके आपको लिखना है।
दूसरा है वचन बदलो। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि वचन बदलो में बहुवचन और एकवचन यह दो प्रकार है। तो इसमें अगर आपको एकवचन दिया है तो उसके बहुवचन करने हैं, अगर बहुवचन दिया है तो उस शब्द के आपको एकवचन करना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण मैंने दिया है सड़क, तो सड़क यहाँ एकवचन हुआ तो इसका हमें बहुवचन में करना है सड़के। उपर्युक्त पद्य से ऐसा एक प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। यहाँ पर प्रश्न के लिए शब्द दिया है मड़गांव। अब मड़गांव यह जो शब्द है यह आपके प्रश्न में आपको नहीं लिखना है क्योंकि मड़गांव यह आपका उत्तर है। तो आप इसका प्रश्न ऐसे बना सकते हैं कि लेखक जब इंदौर से गोवा जाने के लिए निकले तब उनकी ट्रेन कौन से स्टेशन पर रुकी। तो इस तरह से आपको शब्द दिए जाएंगे तो उस शब्द को आपको प्रश्न में नहीं लिखना है क्योंकि वो जो शब्द है वो आपका उत्तर रहेगा। अब आपका दूसरा प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ति। यह आपको परीक्षा में 2 मार्क्स के लिए आता है। तो यहाँ पर स्वमत अभिव्यक्ति में आपको अपने विचार लिखने होते हैं। तो आपका प्रश्न है पर्यटन का अपना ही आनंद होता है, इस पर अपने विचार लिखिए। अब यहाँ पर पर्यटन मतलब यात्रा करना, तो जो हम सैर करते हैं तब हमें बहुत आनंद होता है, वो अपना खुद का ही आनंद होता है, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कविता पहली भारत महिमा और पाठ 5वां गोवा जैसा मैंने देखा, इन दोनों मतलब एक कविता और एक पाठ, इनका हमने रिवीजन किया है। तो यह कविता और यह पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए, तो इसे आपको अच्छी तरह से घर पर एक बार फिर से पढ़ना है।